हुज़ूर शहबाज़ दकन ने अपनी सारी जिंदगी अहले सुन्नत व जमात की खिदमत में गुजारी है। मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत में गुजारी है। बस मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत के जो तालीमात हैं उनको याद रखना, और उस पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहना, और ये कभी दिलो दिमाग में ना आने देना कि हजरत चले गए, अब हजरत नहीं मिलेंगे। ये गलत फहमी है तुम्हारी, इसको दूर करो। हजरत ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलत के लिए कहीं और नहीं अपनी आखिरी आरामगाह मरकज़े अहले सुन्नत को चुना। हजरत ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी सहूलत के लिए अपनी आखिरी आरामगाह को भी इंतखाब फरमाया तो मरकज़ अहले सुन्नत में, और ये समझा दिया, अच्छी तरह से बता दिया कि कल भी मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खिदमत के लिए यही था, और आगे भी तुम्हारे लिए मैं यही हूं। हज़रात मुहतरम, हुज़ूर शहबाज़ दकन ने जो तालीमात दी हैं, जो पैगाम दिया है, वो यही है कि आप मसलके आला हजरत को मजबूती से थामे रखें, उसकी तालीमात पर अमल पैरा रहें, और इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें। ये मिशन रुकना नहीं चाहिए, ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। और अब तो हकीकत में आजमाइश और इम्तिहान का वक्त है। अब पता चलेगा कि हकीकत में हुजूर शहबाज़ दकन से किस किस को सच्ची मोहब्बत है। अब पता चलेगा कि हकीकत में हुजूर शहबाज़ दकन से कौन मोहब्बत करता है। और मैं दो टोक अंदाज में इस बात को वाज़े कर दूं, मेरी नज़र में वो आशिक ना होगा जो सिर्फ नारे लगाएगा। मेरी नज़र में वो सिर्फ सच्चा आशिक नहीं कहलाएगा जो हजरत के मज़ार को चूम रहा होगा, फूलों की बारिश कर रहा होगा, हजरत की मज़ार की खिदमत कर रहा होगा, मरकज़ की खिदमत कर रहा होगा। मेरी नज़र में हकीकत में वो सच्चा आशिक होगा जो सरकार शहबाज़े दकन के पैगाम को अपनाएगा और उसको आगे ले जाएगा, जो उनके मिशन को अपनाएगा और इस मिशन पर कायम रहकर उस मिशन को आगे ले जाएगा। दोस्तों और बुजुर्गों, ये इम्तिहान और आजमाइश की घड़ी है। कदम डगमगाए नहीं,
कदम बहके नहीं, बल्कि और मजबूती से इस राह को आप थाम लो और इस राह पर अपने कदम जमा लो और ये जहन में बात बिठा लो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। बहरहाल हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर कादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।